नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अलंकार। और देखिए, जो अलंकार हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो जो शब्दालंकार हैं उनको मैं आपको पढ़ा चुका था, और आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकारों में उत्प्रेक्षालंकार को। तो देखिए, ये जो अलंकार है, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमान और उपमेय में उत्प्रेक्षा की जाती है। क्या है विद्यार्थियों? जहाँ उपमान और उपमेय, इन दोनों में अगर उत्प्रेक्षा की जाएगी तो वहाँ पर अलंकार होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी संभावना की जाए उपमान में। तो देखिए क्या है इसका जो लक्षण है, संभावनम अथो उत्प्रेक्षा। जब आप इसका लक्षण लिखेंगे तो क्या है, संभावनम अथोत्प्रेक्षा, संभावनम थोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत। क्या है विद्यार्थियों? संभावनम थोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत। इसका अर्थ ये होता है कि जो उपमेय होता है उसकी अगर उपमान से संभावना कर दी जाए, उपमेय की यदि उपमान से संभावना कर दी जाती है तो वहाँ अलंकार होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, संभावनम अथ उत्प्रेक्षा, कि संभावनम कि जहाँ संभावना होती है, अत उत्प्रेक्षा उसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। किसकी संभावना? प्रकृता से उपमेय की। किससे? समेनियत, समेनियत अर्थात उपमान के साथ। यानी जब उपमेय की उपमान से संभावना कर दी जाए तो उसको कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए इसका अर्थ अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे अर्थात उपमेय की उपमान से संभावना को, अर्थात उपमेय की उपमान से संभावना को, उपमेय की उपमान से संभावना को उत्प्रेक्षालंकार कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए इसका एक उदाहरण है, ये उदाहरण है विद्यार्थियों, ये है लिम्पतीव तमोंगानी, लिम्पतीव तमोंगानी वर्षती वांजनम नवः। क्या कहते हैं? लिम्पतीव तमोंगानी वर्षतीवांजनम नवः, वर्षतीवांजनम नवः। और फिर है असत पुरुष सेवेव, दूसरी जो पंक्ति है असत
पुरुष सेवेव, असत पुरुष सेवेव, दृष्टिर विफलताम गता। क्या है? असत पुरुष सेवेव, असत पुरुष सेवेव, दृष्टिर विफलताम गता। यह है विद्यार्थियों, और यह क्या है आप जब देखेंगे तो आपने पढ़ी होगी मृच्छकटिकम नाम की एक पुस्तक है जो शूद्रक ने लिखी है मृच्छकटिकम, और उस मृच्छकटिकम का ये उदाहरण लिया गया है। जब बसंत सेना आगे चल रही है, सरकार उसका पीछा कर रहा है, तब कैसी स्थिति होती है कि अंधेरा छा जाता है, और अंधेरा जब छा जाता है तो उनको बसंत सेना उस अंधेरे में दिखाई नहीं देती है। इसी चीज़ का इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए इसका अर्थ है, तो देखिए यहाँ लिम्पतीव तमोंगानी, यानी जो तम है, तम कहते हैं अंधकार को, लिम्पतीव लीपसा रहा है, यानी मानो अंधकार उसके अंगों को लीपसा रहा है, और बरसती वाजनम नभ, और ऐसा लग रहा है जैसे जो नभ है, जो आकाश है, वो मानो काजल की वर्षा कर रहा है। बाकी वर्णन तो क्या है इसमें, वर्णन है अंधेरे के फैलने का, लेकिन कवि ने क्या कहा, लिम्पतीव तमो अंगानी, यानी जो तम है, जो अंधकार है, वो मानो अंगों को लीप रहा है, और वर्षती वाजनम नभ, और ऐसा लग रहा है मानो जो नभ है, नभ कहते हैं आकाश को, आकाश मानो काजल की वर्षा कर रहा है। तो अंधेरे फैलने की, क्योंकि उपमेय क्या है यहाँ, अंधेरा का फैलना, तो अंधेरे का जो फैलना है उसकी संभावना किससे कर दी, लिम्पतीव तमो अंगानी, कि मानो तम अंगों को लीपसा रहा है, और मानो आकाश काजल की वर्षा कर रहा है। तो जहाँ उपमेय से, उपमेय की उपमान से संभावना कर दी जाती है, तो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और इसलिए कहा गया है संभावनम अथो उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत, और फिर उदाहरण दे दिया लिम्पतीव तमो अंगानी। अब देखिए इसका अर्थ है, अर्थ लिखेंगे, अर्थात मानो अंधकार अंगों को लीप देता है, अर्थात अर्थ है विद्यार्थियों इसका, मानो अंधकार अंगों को लीप देता है, फिर दूसरी बात कहते हैं वे आकाश काजल की वर्षा सी कर रहा है, आकाश काजल की वर्षा सी कर रहा है, और दुष्ट पुरुष की सेवा की तरह, और दुष्ट पुरुष की सेवा की तरह दृष्टि विफल हो गई है, विफल हो गई है। यह है विद्यार्थियों इसका अर्थ। अब देखिए हम लिखते हैं, जब अर्थ लिखने के बाद क्या करते हैं, हम उदाहरण में लक्षण संगति लिखते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें जगह नहीं है इसलिए मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। जब आप अर्थ लिख देंगे फिर क्या करते हैं, हम लिखते हैं उदाहरण में लक्षण संगति। उदाहरण में
लक्षण संगति, इसको रेखांकित कर देंगे और ये विवरण चिन्ह लगा देंगे। देखिए क्या है, इस उदाहरण में अंधकार का फैलना, यहां से लिखेंगे इस उदाहरण में मैं अंधकार का फैलना इस उदाहरण में अंधकार का फैलना और संपात और संपात प्रस्तुत है ना, और संपात प्रस्तुत है, उनकी अप्रस्तुत उनकी अप्रस्तुत उनकी अप्रस्तुत अंग लीपना रूप और अंग लीपना रूप और अंजन अंजन कहते हैं विद्यार्थियों काजल को, अंजन वर्षण रूप से संभावना की गई है, अतः इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जब विद्यार्थियों आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो इसलिए आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ चुके हैं, जो साथी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें, जिससे क्या है कि उन सब को इन क्लास का लाभ मिल सके। और चैनल भी है टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल पर आपको संपूर्ण नोट्स मिल जाते हैं, जो BA में संस्कृत चलती है, तो जो आपके काम के हैं आप उनको ले सकते हैं, और इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।